इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड ना हमारे उत्तरकाशी के हर्सिल में भी नहीं है जितनी ज़्यादा ठंड है दिल्ली में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं विराट कोहली सर के रेस्टोरेंट में, उनका रेस्टोरेंट जस्ट हमारे पीछे है। उनके रेस्टोरेंट का नाम है 18 कम्यून और 18 इस देखिए रेड कलर के मोमोज अपन देखिए पहले कभी। तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है यहाँ पे एवोकाडो और ये विराट कोहली सर का फेवरेट सैलेड है, तो हम लोगों ने भी ऑर्डर कर दिया, देखते हैं कैसा होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीत मथुरा ब्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने दिल्ली में, मैं जा रही हूँ, शिवम जी जा रहे हैं और भैया भी जा रहे हैं। तो भैया तो अभी तक आए नहीं हैं, भैया का ही वेट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने सामान फैला रखा है, वो हमारी अटैची है, ज़्यादा नहीं, बस एक दो दिन के लिए, एक महीने के लिए नहीं, एक दो दिन के लिए जा रहे हैं हम। क्यों तो अभी विपिन भैया आ गए हैं और हम लोग भी बैठ चुके हैं अभी कार में। तो मेरी हालत तो कार में एकदम डाउन हो जाती है, तो मैं अभी ब्लॉग बनाने के मूड में नहीं हूँ, तो मैं ऐसे ही अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। दिल्ली जाने से पहले ना हम लोग थोड़ा पेट पूजा करने के लिए जा रहे हैं होटल ग्रांड होटल में, और भैया और शिवम जी आगे चले गए, मुझे किसी छोड़ दिया है, तो मैं उनको उनके साथ जाती हूँ शीतल ग्रांड होटल। अब देखते हैं अंदर कैसा डेकोरेशन है। अरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे, हेलो, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है और कुछ फिश, हेलो शीतल ग्रांड होटल। और यहाँ पे सैंडविच भी ऑर्डर करने पर लगे थे, अंकल जी हमारी हेल्प कर रहे हैं कि आप ये ऑर्डर करो। ये यहाँ पे हमने अभी फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर लिए हैं और ये चाउमीन, और शिवम जी यहाँ पे सर्व कर रहे हैं चाउमीन के लिए, बहुत अच्छे से सर्व करते हैं। ये देखिए अब हम लोग निकल गए हैं दिल्ली के लिए और रास्ते में ना बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली के कन्नौट प्लेस में और यहाँ पे आते ही हम सबसे पहले अपने लिए होटल देखते हैं। तो हमें मिलता है होटल अलका, जो कि मुझे बहुत ही बेकार लगा क्योंकि इसके जो प्राइस है रूम के वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे और रूम बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, विदाउट विंडो का यहाँ रूम था और बहुत ही छोटे छोटे रूम थे जिनमें बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था हमें। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं फिर पहाड़गंज में और वहाँ पर अपने लिए होटल ढूँढते हैं। आ गए हैं अभी दिल्ली के पहाड़गंज पे और यहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं कृष्णा होटल में, हमारे जस्ट पीछे का है कृष्णा होटल। और यहाँ आते हमें बहुत तेज वाली प्यास भी लग रही है और भूख भी लग रही है, तो यहाँ पे हम लोग आ रहे थे अभी जूस पीने के लिए और उसके बाद हम लोग अभी जाएंगे खाना खाने के लिए। हालत में बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है क्योंकि यहाँ पर ना होटल अच्छे नहीं मिल रहे कहीं पर, हम लोग इतनी जगह घूम रहे हैं। अभी हम लोग आ रखे हैं जूस पीने के लिए। ये पहाड़गंज के कुछ होटल्स और जो हम लोगों ने अपने लिए कन्नौट प्लेस में होटल बुक कर रखा था रूम, वो हमें वहाँ जाके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हम उसकी रेटिंग पे गए तो रेटिंग उसकी बहुत ज़्यादा थी बट हमको उसके रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, वहाँ बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था। तो हम लोग आए पहाड़गंज के कृष्णा होटल में, ये होटल भी उतना कुछ खास नहीं था बट हम लोगों को वन नाइट स्टे करना था तो ये कन्नौट प्लेस से बेटर था पहाड़गंज वाला जो होटल है, तो हम लोग यहीं पे स्टे करते हैं और यहाँ से आगे जाएंगे। और यहाँ पे हमारा रूम है, और
ये यहाँ का वॉशरूम, यहाँ पे यहाँ पे पानी आता है और यहाँ पे ड्रायर भी रखा हुआ है इन लोगों ने। छोटा सा मिरर। हम लोग अभी यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं रात का डिनर करने के लिए। यहाँ पे भी वैसे डिनर मिलता है लेकिन हम लोग जा रहे हैं बाहर पे, क्योंकि यहाँ पे शिवम जी बोल रहे हैं कि जाफरान करके एक रेस्टोरेंट है तो उसमें अच्छा मिलता है। तो कोहरा ही कोहरा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं बर्फ में जा रही हूँ कहीं। बहुत ज्यादा ठंड है बाबा, और यहाँ ना ज्यादातर बिल्डिंग ना सारी व्हाइट कलर में है, क्योंकि ये बहुत पहले की बिल्डिंग है तो सब तो व्हाइट कलर है। ये देखिए व्हाइट कलर की है और इधर साइड सारी व्हाइट कलर में। हम लोग कहाँ रखे, हम लोग पहुँच गए हैं जाफरान रेस्टोरेंट में, और ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं, और शिवम जी और भैया आगे चल रहे हैं, देखते हैं कैसा है। हम भी यहाँ पहली बार आ रहे हैं आज। लाइटिंग तो कम लग रही है मुझे। और यहाँ पे ना पापड़ हमारे लिए नान के साथ कॉम्प्लीमेंट्री आए हैं, और यहाँ पे सैलेड, चटनी और अचार। और यहाँ पे चिकन, कोरिया में तो बहुत अटैक हो रहे हैं इंडिया वालों के, दक्षिण कोरिया हैं बहुत अटैक हो रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने डिनर कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, तो वहाँ पे हमारे ऑटो वाले अंकल हमारा वेट कर रहे हैं। चलो 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 चलो, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ, आप लोग देख सकते हैं पूरा कोहरा ही कोहरा छा रखा है पूरे दिल्ली में। और हम लोग जा रहे हैं सुबह, कम से कम हम लोगों ने 7-8 बजे यहाँ से चेकआउट कर लिया है, क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना है अभी, तो हम लोग यहाँ से सुबह सुबह निकल गए। अभी शिवम जी वहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं और भैया गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कृष्णा होटल, ये कृष्णा होटल है यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे काउंटर है, और यहाँ पर आप लोग अपना फूड खा सकते हैं। और ये सामने पर मिरर, और यहाँ से ऊपर इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड ना हमारे उत्तरकाशी के हर सिंह में भी नहीं है जितनी ज़्यादा ठंड है दिल्ली में। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया भैया इतनी ठंड लगेगी। और सुबह सुबह आप लोग देख सकते हो हवा आ रही है, मुझे मैं तो कपड़े भी नहीं लेके आई उस हिसाब से, मुझे लगा यहाँ पर गर्म होगा, दिल्ली दिन वालों का शहर होगा गर्म होगा यार, यहाँ इतनी ठंड है। अभी हम लोग जा रहे हैं विराट कोहली सर के रेस्टोरेंट में, उनका रेस्टोरेंट जस्ट हमारे पीछे है। उनके रेस्टोरेंट का नाम है 18 कम्यून, और 18 इसलिए क्योंकि उनकी जर्सी का नंबर जो है वो है 1818, तो उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम भी 18 कम्यून रखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ का व्यू देख सकते हैं मेरे पीछे कैसा है। तो चलो आज इनके रेस्टोरेंट का एक्सप्लोर करते हैं हम लोग, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कैसा उनका रेस्टोरेंट। तो यहाँ से एंटर कर रहे हैं हम 18 एरो सिटी, यहाँ पे है 18। और विराट कोहली सर के रेस्टोरेंट में ना लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि विराट कोहली सर के रेस्टोरेंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आएंगे। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ से मैंने एंटर किया अंदर,
और सामने पे जो रिसेप्शनिस्ट है यहाँ पे काउंटर पे बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे ये भाई जी, दिस ऑल पीपल आर सिटिंग हियर, ये सिवन जी है, इनकी टोपी कभी नहीं निकलती है। और यहाँ पे सेलिब्रिटी लोग भी आ रखे हैं, ये देखिए। चलो ये हमने क्या है सर, ये देखिए विराट कोहली सर की जर्सी 18। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर में थे और अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड फ्लोर में। सुंदर है यार, बहुत ही सुंदर, कितने अच्छे से सजा रखा है यार, वाओ लवली। Our hearts beat to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like हम लोग ना अंदर नहीं खा रहे खाना, हम लोग बाहर पे आ रहे खाना खाने के लिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमें धूप नसीब हुई है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है तो इसलिए हम लोग आ गए बाहर पे, काफ़ी लोग आ रखे हैं बाहर पे खाने के लिए। और यहाँ पे देखो हैंगर हैंगर लोग हैं। तो हम लोग अभी बाहर पे बैठ गए हैं और देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं हम यहाँ। और यहाँ का मेन्यू भी आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग, कि यहाँ का मेन्यू, यहाँ का प्राइस क्या क्या है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया है और एक प्लेट दी उन लोगों ने, और इसके अंदर देखते हैं क्या है इसके अंदर, इसके अंदर क्या है। यहाँ पे पानी भर गया है या तो भूल गया है। और ये यहाँ के स्पेशल मोमो दिखने में तो बड़े लाजवाब लग रहे हैं। ओके, तो देखिए रेड कलर के मोमोज आपने देखे पहले कभी? मैं तो आज पहली बार देख रही हूँ। चलो और हम लोग ना जो भी यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें विराट कोहली सर की फेवरेट है। और ये यहाँ पे हमने सेक मंगाया है, ये भी सर का फेवरेट है। और जो इससे पहले हमने मोमोज खाया था वो भी सर का स्पेशल डिश आता है ना, वो भी स्पेशल डिश में सर का फेवरेट है। तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है यहाँ पे एवोकाडो, और ये विराट कोहली सर का फेवरेट सैलेड है, तो हम लोगों ने भी ऑर्डर कर दिया, देखते हैं कैसा होता है। चलो इसको हम एक्साइटेड हो गए इसको देख के। खाली तो विराट कोहली ये देखो ये ऐसा सर्व करता है, ये देखो ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है घास ही घास होगा, ये हरी सब्जी है और हम हरी सब्जी को कच्ची खा रहे हैं। ये देखो गाइस ये एलजी मेरे को पता क्या लग रहा है, वो नहीं होता क्या बोलते हैं भैया उसको, अरे वो अथाणो, अरे वो जिसकी सब्जी बनती है, ये पालक है, ये हरी सब्जी है, हरी सब्जी पत्ता गोभी भी बोल सकते हैं इसको, ये देखो पत्ता गोभी। सीरियसली इसको देखिए पता मुझे क्या लग रहा है कि मैं घास खा रही हूँ, हम लोग का आदत ये ना इसकी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं घास खा रही हूँ घास, ये उनको अच्छा लगता है जिसको डेली खाते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे चाउमिन मोमो की याद आ रही है, बस पिज्जे की याद आ रही है मुझे। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमने ना यहाँ सबसे पहले कॉफ़ी ऑर्डर की तो यहाँ कॉफ़ी नहीं मिली हम लोगों को, और आई थिंक मुझे लगता है ना यहाँ ज़्यादा ऐसे चीज़ें चलती है, कॉफ़ी वगैरह चाय बियर वगैरह चलती है ना उसका वगैरह, तो हम वो जा रहे हैं अभी। हेलो
आते टाइम हम लोग रुके हैं मूलचंद रिसोर्ट में। चलो आपको यहाँ पे आते ही हमको सबसे पहले मिल जाता है झूला और इस झूले पे मैं जरूर झूलूंगी। और आगे आगे भाई वाह कितना सुंदर है और बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये मेरे पीछे भी बहुत सुंदर रास्ता है और इन लोगों से मस्त जा रहा है वॉशरूम और सीरम भी। रेस्टोरेंट तो बहुत ही खूबसूरत है यार। ये शिवम जी सोच रहे हैं मैं अच्छा दिख रहा होऊंगा कैमरे में लेकिन यहाँ आप काले दिख रहे हो और ये कितना मस्त है। मैं यहाँ पे दिन में आती हूँ शायद दिन में ज्यादा अच्छे से दिखा, अगर दिन में आते ना हम लोग यहाँ पे तो दिन में अच्छे से दिखा पाते आप लोगों को। यहाँ तो इतनी सारी वेराइटी है फ्लावर्स की। शिवम जी चले गए अंदर, बाहर इतना भयंकर सजा रखा तो अंदर कितना भयंकर सजा रखा होगा। वाओ 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 सो ब्यूटीफुल। और ये दरवाजा खुल गया हम लोग जा रहे हैं अंदर। यहाँ तो मेरे को लग रहा है नर्सरी तो नहीं है, इतने सारे फ्लावर अंदर भी फ्लावर लगा रखे हैं। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने लिए मंगा दी है कॉफी। दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने सबसे पहले ब्लॉग बनाया था, कॉफ़ी अब ठंडी हो चुकी है। ब्लॉगर लोगों के साथ यही समस्या है दोस्तों, उनके कैमरे में आना चाहिए सब कुछ। मेरी हालत इतनी डाउन हो रखी है। और यहाँ पे मैंने मंगवाया है अपने लिए फ्रेंच फ्राइज कॉफ़ी के साथ और ये लोग खा रहे हैं यहाँ पे पालक पनीर और रोटी। और भैया को बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। थैंक यू भैया। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे ना डिनर कर लिया है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना मिलता है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इतना मस्त है, बहुत ही सुंदर बैकग्राउंड है। तो अब हम यहाँ से सीधे चलेंगे देहरादून में। और कार पे तो मेरी हालत बिल्कुल भी नहीं होती है ब्लॉग बनाने की क्योंकि मेरा ना सर बहुत ज़्यादा घूमता है तो इसलिए मैं फ़ोन बिल्कुल अवॉइड करती हूँ कार में चलाना। तो सीधे अब हम अभी तो कम से कम 11 बज रही है तो लगता है अभी हम लोग पहुँचेंगे वहाँ 1-2 बजे, उसके बाद सीधे सो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि यही मेरे ब्लॉग का एंडिंग है और फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। Bye.